हेलो एंड वेलकम, मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। तो दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे थे अलजेब्रा, जिसमें से 9 घंटे की वीडियो हमने अपलोड कर दिए। आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा और साथ ही साथ उससे पहले भी हमने 100 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में मेंस के पहले ही सॉल्व कर दिए थे और फिर उसके बाद हम अपना 0 to Hero कोर्स लेके आए। प्यारे दोस्तों, आज का सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे और वो क्वेश्चन पेपर में बहुत आ रहे हैं, मतलब लेटेस्ट पैटर्न 2017, 2018, 2019 इन 3 साल में जो एनालाइज किया उसके अकॉर्डिंग आज का जो हमारा सेशन है। तो 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। उससे पहले जो बोर्ड पे लिखा है वो सारे, मतलब जो आज के टाइप है उनके लिए ये फॉर्मूले होते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जो होता है प्यारे दोस्तों वो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में, राइट, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, क्लियर। साथ ही साथ दोस्तों आज से ये भी तैयार रखना कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab होता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ऊपर वाले में बस ये वैल्यू इधर आई। दूसरी बात, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये वैल्यू इधर आई, तो माइनस माइनस प्लस, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। फिर आ जाओ क्यूबिक फॉर्म में। जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे होंगे कि a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। दूसरा देख रहे होंगे a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर किसके, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ab। साथ ही साथ दोस्तों a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी से हमने ये वाला फॉर्मूला निकाला है नीचे वाला, कि ये वैल्यू हमें चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो कैसे, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab a प्लस बी होता है। साथ ही साथ a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab a माइनस बी इधर आया और हो गया। सर बार बार क्यों बता रहे हैं, हमारा उद्देश्य 0 to Hero है, मतलब हर एक बच्चे को बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। तो दोस्तों इसे अब रफ कर दिया जाता है और आज का जो सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उस पे चर्चा किया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी पर आज चर्चा होगा। ध्यान देना एक एक बात को। दोस्तों जैसे क्वेश्चन नंबर 1 या ऐसे ही समझ लो, क्वेश्चन आया था पेपर में a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 5824 और एंड a प्लस बी था 28k। अब हमसे कह रहा है फाइंड a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का ab। अब ये वैल्यू हमें चाहिए। अब जब ये वैल्यू चाहिए तो ये कोई क्वेश्चन आसान नहीं कि आप यूं ही इसको उड़ा दोगे, एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। समझो कैसे करना होगा, आप ये सोचो कि यहां वैल्यू निकाल के रख दे दुनिया रख दे, नहीं होना है। पहले तो बच्चा आप दिमाग लगाओ इस चीज पे कि ये हो क्या रहा है। तो इसको खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस का 2ab और प्लस का ab। तो समाज के लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab बोलेंगे, बोलो हाँ। प्यारे दोस्तों इसको हम चाहे जितना कर लें हम ab जल्दी निकाल नहीं सकते, इतना हमारे अंदर टैलेंट नहीं होता है। अब देखो लॉजिक कि हमें अगर अभ्यास है a प्लस b का ऊपर इंटू किया और a प्लस b का नीचे किया, तो ऊपर फॉर्मूला बन गया किसका, a क्यूब प्लस बी क्यूब का और नीचे a प्लस बी, बोलो हाँ भाई। इसको तो ये निकाल लिया हमने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab।
अब एक्स्ट्रा काम क्या है, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन हमारे, तो एक्स्ट्रा काम क्या है कि ए प्लस बी का ऊपर इंटू ए प्लस बी का नीचे इंटू, तो ये बन गया फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है का। अब बच्चा आप वैल्यू रख दो तो 5824 डिवाइड बाय 28, 28 दूना 56, दो तो 56, अब 22 आया तो 2 2 4 तो 0 और 224 तो 8 8 64 208 आएगा। तो आंसर आएगा 208। बहुत इजी वे से आपको सिखा दिया गया है, रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाता ही ऐसा हूं, कैसे रिपीट करवाओगे मुझसे कैसे? मार्कर इधर रखें क्योंकि बार बार उठाने में दिक्कत होगी। तो 208 इसका आंसर आ गया। चलिए दोस्तों, खुशी मिलेगी जब आज का सेशन कंप्लीट होगा, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, ये ध्यान रखना, और आपको समझ में भी आ जाएगा। अपना एक कोर्स ला रहा हूं मैं, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री का, और उसमें 50 से 80 घंटे तक पढ़ाया जाएगा, पूरा मेंसुरेशन पूरा ज्योमेट्री। अभी तक जितना भी एसएससी के एग्जाम में आया है सब हम करवा देंगे। अब दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन है, जरा एक बार पेन चलाना स्वयं से, 2G मत बनना, पेन चलाना। जब स्वयं से चलाओगे पेन, देखो सेम चीज पे हमने चर्चा कर रहे हैं, जैसे इसको खोल दिया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस ab, राइट? तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab, बोलो हां, ये प्लस का हो गया। अब बच्चा हमने अपने मन से a माइनस बी का ऊपर इंटू ए माइनस बी का नीचे कर दिया, तो अब ये फॉर्मूला हो गया किसका, a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन a माइनस b, यस या नो? और बच्चा हमका वैल्यू दी गई है, किसकी दी गई, 416/8 काट दो तो 8 5 40 52 आंसर आया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 52, वन ऑफ द बेस्ट मेथड। आप सोच रहे हो कि a b निकाल लेंगे, गलती से भी नहीं निकाल पाएंगे, तो ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं और इन्हें हमें सीखना होता है। जितने अच्छे से हम सीखेंगे उतना हमें खुशी मिलेगी। सर क्या मिलेगी? खुशी। चले तो अभी इस पे हम 4 क्वेश्चन बैक टू बैक और देखेंगे, थोड़ा सा और समझेंगे। ये ज्यादा आजकल पेपर में आ रहे हैं, प्री और मेंस में भी आ जा रहे हैं, तो इन पे हम चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इफ ए प्लस बी बराबर 8 एंड ए बी इज इक्वल टू 32/3 और हमसे कह रहा है फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये हमें चाहिए। इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 8, ए बी इज इक्वल टू 32/3, फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ऑप्शंस चलो लिख देते हैं, 256, 128, 320, 384। दोस्तों कैसे करेंगे इस पे चर्चा होनी चाहिए कि सर कैसे सॉल्व करोगे। देखो आपको फॉर्मूला याद है, सिर्फ रखो, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, बोलो हां, अरे बोलो। साथ ही साथ आज ही हमने बताया है कि ये चीज का फॉर्मूला, मैंने बताया कि a प्लस बी अगर यहां प्लस के हिसाब से चल रहा है तो पहले लिखवा दिया है, पर मैं जानता हूं कि आप 2G हो तो बार बार लिखवाएंगे, क्योंकि मैं बनाऊंगा आपको सीधे 5G, बहुत हुआ। तो यहां से हो गया a प्लस बी ऐसे, इसकी वैल्यू आप ये लिखोगे और साथ ही साथ माइनस का ए बी और है,
तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab। अब ये तो समझ ही गए होंगे, इसके लिए मैं दोबारा तिबारा चौबारा नहीं खेलूंगा। दोस्तों अब वैल्यू रख दो, a प्लस बी 8 है, 8 का स्क्वायर 64 है, 3 32 बटा हैप्पी बर्थडे, तो घटाने पर आया 32 इंटू 8, 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 का 24 और 1 25, 256। तो आंसर आएगा 256। रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं लग रही मुझे कि सर रिपीट किया जाए, सीधी सी बात है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहां से लाए, यहां से लाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है, तो ये वैल्यू जब यहां रखेंगे तो माइनस का 2ab ये है और ab ये हो गया, तो 3ab हो गया, बाकी कैलकुलेशन है। चलिए हर एक छोटी चीज और बड़ी चीज आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी इज इक्वल टू 6, हमसे कह रहा है फाइंड ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। ये हमें बच्चा निकालना है कि ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान देना, सेम चीज मैं रिपीट कराता हूं जिससे बच्चों को तैयार हो जाए, क्या बच्चा इसे हम a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी नहीं लिखवा सकते, सॉरी प्लस का ए बी नहीं लिखवा सकते, ऑफ कोर्स लिखवा सकते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी होता है। अब और समझो, यहां ये जो वैल्यू है इसी के लिए आज हमने शुरुआत में लिख दिया था, चलो फिर से बता देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। तो अगर हमका ये चाहिए तो हम बताए नहीं रहे कि ये होता है, तो ये चीज लिखा नहीं जाता, पर मैं मजबूर हूं कि लिख लिख के सिखाऊंगा चाहे जो हो जाए देवताओं। तो ये a माइनस बी हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां से ये वाला होगा क्योंकि यहां माइनस वाला है, तो फिर से ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर ए बी और 2ab, तो ये 3ab हो जाएगा। दोस्तों जब ये हो गया तो बस आपको वैल्यू रखनी है, a माइनस बी 5 हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3ab तो 3 गुणा 6, तो ये 5 ऐसे 25 और 18, 25 18 को जोड़ लो तो 43 होगा, 5 एकम 5, 5 को 20 और 1 21, 215 इसका आंसर आएगा, 215। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो इसका आंसर होगा 215। चल एक कदम और आगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ढूंढ ढूंढ के मैंने क्वेश्चन रखे हैं कि बच्चों को मजा आ जाए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 218 एंड ए प्लस बी बराबर 2। अब हमसे कह रहा है फाइंड ए बी, जरा पेन चलाना, सोचो समझो और सॉल्व करो। फाइंड ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 218, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2, फाइंड ए बी। देखो बच्चा, देखो आप अब थोड़ा सा, अभी पहले तो जनरली बता देते हैं, जनरल में आपने पढ़ा था ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या पढ़ा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी,
मैंने आज ही लिखवा दिया था बच्चों, दो का क्यूब, दो का क्यूब ये 8 हो जाएगा, ये वैल्यू इधर ले आओ तो 218, क्योंकि ए क्यूब बी क्यूब और ए बी, ए बी 2 है ये 3 है, 6 से भाग दे दो। अच्छा एक सेकेंड, हाँ 3 है, 6 से भाग दे दो, ए बी आएगा, तो ये हो गया 210 माइनस का बटा 6 ए बी, ए बी बराबर माइनस का 35, ए बी बराबर माइनस का 35। फिर से रिपीट कर देते हैं, देखो क्वेश्चन में बच्चा गिवेन है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 218, राइट, और सम ए प्लस बी का सम होता है क्या 2, जो कि दिया गया है। अब हमसे कह रहा फाइंड ए बी, हमें ए बी निकालना है, तो ए बी क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी होगा। अब एक बात को ध्यान दो, a प्लस बी 2 का क्यूब 8, a प्लस a का क्यूब प्लस b का क्यूब 218, इधर लाओ तो माइनस का 218। अब डिवाइड बाय, हमने क्या किया 3 ये a प्लस बी 2, 3 गुणा 2 6 से भाग दिया, ये ab बचा और कैलकुलेट कर दिया, तो ab इज इक्वल टू माइनस का 3, 5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दोस्तों अच्छे से पढ़ो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो एक दिन जरूर बढ़ेगा इंडिया। एक एक चीज, एक एक पॉइंट, एक एक सब पे चर्चा होगी। इस टाइप का एक और क्वेश्चन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 135 के एंड ए बी इज इक्वल टू 7 के और ए ग्रेटर 0 के, बी ग्रेटर मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, देन हमें निकालना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अब इसको करके दिखाओ सारे के सारे लोग, अब इसको करके दिखाओ सारे के सारे लोग। दोस्तों इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, इस पे सोचो, विचार विमर्श करो और आंसर बताओ, ठीक है। आपको हमने एक मिनट का समय दे दिया है, अब करो। चल मैं ही बता देता हूं, देखो बच्चा एक तो आपको मालूम होना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, बोलो हाँ। 135 ये हो गया और 7 दुनी 14 ये हो गया, जो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, 135 में से 14 गया 121 हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। समाज के लोग a माइनस बी को 11 कहते हैं, क्या कहते हैं 11। अब हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, जो कि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का नहीं प्लस का ए बी होता है। अब छोटी छोटी मगर मोटी बातें, a माइनस बी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन 11, कितना 11। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 135, बगल में 7, तो ये हो गया 142 इंटू 11 इंटू 1 का गुणा 2 में 2, 4 2 6, 4 1 5, 1562 इसका आंसर आएगा, 1562। तो लॉक कर दिया जाए और इसे सीख लिया जाए। तो दोस्तों अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो ये वाले क्वेश्चन हमारे हो गए। अब एक नया टाइप इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सब इसी पर ही बेस्ड है, तो इस टाइप को देखो। सारे क्वेश्चन इसके आसान हैं अगर हमने कॉन्फिडेंस के साथ किया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं पेपर में सारे पेपर मिलाकर 20 से 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
हम 5 से 7 क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करा देंगे, आप उन क्वेश्चन को ढूंढो, किरण पब्लिकेशन की किताब लगा लो और लगा डालो, ठीक है, और जबरदस्त तरीके से करा देंगे। तो दोस्तों, और 10:30 बजे डेली आरएस अग्रवाल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, डेली। आज सुबह प्रॉफिट लॉस 3 हमने पढ़ाया है, तो उसको पढ़िए जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन है 24√3 x³ 2√2 y³ √3 है x, √2y, ax² bxy cy² फाइंड करना है हमको 2a √6 b-c। तो ये प्यारे दोस्तों हमें कैलकुलेट करना है। अब इस पे विचारधारा हमारी आएंगी, चीजों को सिखाएंगे हम, और बहुत मतलब इतना आसान वे से पढ़ा देंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आपने सोचा भी नहीं होगा, ध्यान देना कितना आसान तरीके से सिखाएंगे। समझो, मोटा मोटा क्या है कि आप हमेशा इधर साइड का ये देखा करो, इसको देखा, और यहां क्यूबिक है तो बस इसी का ये क्यूबिक होगा। आंख बंद करके हमेशा याद रखो कि इसी का क्यूबिक होगा। सर कैसे? 2³ 3√3 8³ 24√3 सेम चीज, इसका ही क्यूबिक होगा, वरना फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और दोस्तों कहते हैं कि ये चीज हमका समझ में आ गई, अब हम a³ + b³ लगा दें, का होता है a³ + b³, तो ये होता है a+b 2√3x 2y, फिर क्या होता है, फिर कहता है a² 2 का स्क्वायर 4 + 4 = 12 12x² √2 का स्क्वायर 2 y² और कहते दोनों का गुणा कर लियो गुणा, पर माइनस में फॉर्मूला तो हमका याद है ना। अरे ये लगा रहे, अरे अले अले ये लगा रहे, तो फॉर्मूला तो हमें मालूम ही है दोस्तों गुणा कर दो तो ये आ जाएगा माइनस का 2√6 xy, राइट। अब बच्चा क्या करो, कंपैरिजन, इसका इससे तुलना कर दो, तुलना कर दे रहा तो ये तो सेम एक हेयर कर दो, तो a बराबर 12 और e वैल्यू देखो और e देखो, तो b का होगा माइनस का 2√6, c का होगा 2, उठा के चिपका दो तो का आ जाए 12 × 2 = 24, यहां कर दोगे तो ये भी y दिशे कोलावरिटी, ये 12 हो जाएगा क्योंकि 6 × 12 और -2, आंसर क्या आ गया 10। तो बच्चा दोबारा नहीं समझाना क्योंकि 5-6 क्वेश्चन हम खुद ही करा दे रहे हैं बार बार, तो तेजी से इसको नोट कर लेना, ठीक है, समझ गए होगे। अब साथ ही साथ इसके क्वेश्चन लगाना, साथ ही साथ क्वेश्चन लगाना तेजी के साथ। बड़ा मक्खन तरीके से सिखा दिया, अब ना कहना कि हम 2G हैं, अब तुम का हो 5G हो। ध्यान देना एक एक चीज पर, 40√5 x³ 3√3 y³ 2√5x माइनस √3y ax² bxy cy² देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
मतलब हमें फाइंड निकालना है किसका, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये चीज हमें निकालना है। दोस्तों बार बार बताएंगे कब तक नहीं आएगा। आप पहले ये चीज और ये चीज देखो, इसी का क्यूबिक लिखा होगा, माइंड सेट कर लो और कह दो सर यही लिखा होता है, और कुछ माइंड में आना ही नहीं चाहिए। बच्चा जब ये लिखा होता है तो अब हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला कौन, पड़ोसी याद करेगा ना? ना हम काहे याद करेंगे, हमारा पड़ोसी याद कर लेगा। अब जैसे फॉर्मूला होता है वैसे कर ले। तो जब एक हेर भाई 8 × 5 = 40, ये हो जाएगा 40 और 40√3, समझ गए ना, खेल जाओ। तो ये तो सेम सेम रहेगा, ये वाला बदलेगा। अब ए स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 5 = 20, 20x² √3 y² अब यहां वाले में प्लस होता है तो ये 2√15 x y हो जाएगा। अब बच्चा कंपैरिजन कर लो, ये तो सेम है, तो a इज इक्वल टू 20 और b इज इक्वल टू, इसका कंपैरिजन इससे होता है 2√15, c इज इक्वल टू 3। अब चीजों को समझो, b स्क्वायर तो इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 × 15 = 60, c स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और a 20। समाज के लोग कहते हैं 69 में से 20 गया √49, तो वैल्यू क्या हो गई 7। तो राइट आंसर क्या हो गया, 7 हो गया। कैसा लगा? तो दोस्तों बहुत अच्छे से सीखो एक एक चीजों को, और अगर आपने सीख लिया तो जीवन सुखमय है। सर क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, अरे सुखमय है। चले क्वेश्चन समझना, जबरदस्त है। एक्स की पावर 6, 512, वाई की पावर 6x² + ay² ए की पावर 4 bx² y² + c की पावर 4। तो अब इस क्वेश्चन को आप करना बहुत अच्छे से, ये क्वेश्चन आप लोग लगाएं और जीवन को सुखमय बनाएं। तो इसको भी बड़े आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों चीजों को समझना पड़ता है क्वेश्चन के लिए, ध्यान देना छोटी छोटी बातों को। यहां 512 है, इस पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि 512 क्या होगा, और इसका सॉल्यूशन भी ध्यान देने योग्य है। यहां कुछ मैटर लग रहा है, क्या ध्यान देना, एक सेकेंड। ये x की पावर 4 है, चले तो सॉल्व करेंगे हम। दोस्तों x की पावर 6 512, y 6, तो ये 512 क्या हो सकता है? तो 512 8 का क्यूब होता है, तो क्या मैं कुछ ऐसे बना सकता हूं, 8 का क्यूब 512, y स्क्वायर का क्यूब ये, और ये एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, इस टाइप से। मतलब लगाएंगे तो वही चीज,
बट यहां पर हमें एक्स स्क्वायर का होल क्यूब और 8y स्क्वायर का होल क्यूब, तो हम जानते हैं कि a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, वी नो वेरी वेल, हम अच्छे से जानते हैं। अरे बोलो हां। अब ध्यान देना, यहां जब हम लगाएंगे प्यारे दोस्तों, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 8y स्क्वायर, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब हम आगे बढ़े, बट एक चीज देखो, हमें कंपैरिजन बिल्कुल प्रॉपर वे में करना है, यहां इसके अकॉर्डिंग सब प्लस में आएगा, ध्यान रखना। तो ये x की पावर 4 आएगा, 8 का स्क्वायर 64y स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस इन दोनों का इनटू, तो 8x स्क्वायर y स्क्वायर, कंपैरिजन इसका इससे, कंपैरिजन इसका इसका, यहां से मालूम चला कि a बराबर माइनस का 8 आएगा। कलर चेंज कर लेता हूं देवी देवताओं, समझो, तो a बराबर माइनस 8 क्योंकि इसका इसका इससे कंपैरिजन करते हैं। यहां देखो b की वैल्यू, तो b माइनस का है और ये, तो b भी माइनस का 8 आ गया, और c हम देखते हैं 64 है, तो c हमारा हो गया 64। अब हम यहां पर आ गए, चीजों को हमें समझना पड़ेगा क्योंकि एक गलती क्वेश्चन को गलत करा देगी। a जो कि माइनस का 8 है, b जो कि माइनस का 8 है, c प्लस का है पर माइनस का 64, आंसर आएगा माइनस का 80, लॉक कर दो। तो दोस्तों हमें इन क्वेश्चन का अभ्यास करना है बहुत अच्छे से, तभी कुछ हो पाएगा। तो चीजों को बहुत प्यार से सीखा जाता है, जितने मोहब्बत से सीखोगे उतना मजा आएगा। तो फिर बढ़ेंगे और आगे, तो ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। एक एक क्वेश्चन पे नजर है प्रकाश सर कानपुर वाले की, जहां हमें लगा बच्चे को सिखाना चाहिए, बिल्कुल सिखाया जाएगा। ये आज का दूसरा टाइप है और एक टाइप और इंक्लूड करेंगे, तीन कराएंगे टाइप, तीनों लेटेस्ट वर्जन है, मतलब आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। हमसे कह रहा है फाइंड निकालना है, मैं अभी कैमरे में भी देख लूंगा कि ऐसा तो नहीं कुछ छूट गया है, क्योंकि आप जानते हो कैमरामैन अब प्रकाश सर कानपुर वाले स्वयं है, तो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो देखो एक एक चीजों को, बस देखो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, बस ये है कि हमें सीखना होता है। रूट 5x 3√y 3√3y यहां देखा गया, तो √5x का होल क्यूब, इसको देखो तो 3√3y का होल क्यूब, राइट, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस वन डिवाइड ये कह रहा है, तो ये डिवाइड कर देंगे। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का बच्चा फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, नहीं आते 2g हो तो बातें अलग है। ये साथ ही साथ 5 का 5x स्क्वायर, 9 27 वाई स्क्वायर और 3√15 एक्स वाई, राइट, ये तो हो गया। और बच्चा नीचे वाला तो कट ही जाएगा, अब चाहो सजा के लिख लो, क्योंकि ये तो कट ही जाएगा, कैंसिल हो गया। अब इस पोर्शन का इसमें कंपैरिजन करते हैं, और जब कंपैरिजन करेंगे तो आसानी से, यहां देखो एक्स स्क्वायर यहां एक्स स्क्वायर, ए बराबर 5, वाई स्क्वायर यहां बी, तो बी इज इक्वल 27 और सी की वैल्यू 3√15, राइट। अब यहां उठा के रख दो, 6 × 5 = 30, 27 + 27 इसका गुणा कर दो, तो 15 = 45 माइनस का 45,
आप देखो 57 में से 45 गया, 57 में से 45 गया, शायद 12 आएगा, आंसर आया 12। तो बहुत इजी वे से आपको सिखाया जा रहा है, आंसर इसका आएगा 12, जिसे समाज के लोग 12 कहते हैं। बाकी आप लोग बताइए, ठीक है? तो इतने प्यार से सिखा दिया, खुशी तो मिल रही होगी। चलिए दोस्तों, और बढ़ेंगे और सीखेंगे। अभी मुझे तसल्ली नहीं मिल रही, इसलिए मैं और क्वेश्चन कराऊंगा। अब थोड़े सी इसी वैरायटी में लेटेस्ट में और अच्छे आए थे, उन पे भी चर्चा हम कर देते हैं, ठीक है? इसी वैरायटी पे लेटेस्ट क्वेश्चन आए थे, तो ये हो गए, समझो। लेटेस्ट में आया था 2x-5y का होल क्यूब 2x+5y का होल क्यूब बराबर y ax2 by y2। हमसे कह रहा था कि 2a-b निकालो, 2a माइनस का b निकालो, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया प्यारे दोस्तों। तो अब कैलकुलेट करो और बताओ आंसर, मतलब 2a-b पूछा गया ना, तो बिल्कुल बताया जाएगा 2a-b। ये क्वेश्चन लेटेस्ट में पूछे गए, ये सीपीओ के एग्जाम के क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन सीपीओ के एग्जाम 2019 का जो है हुआ था उसी का क्वेश्चन है। तो बच्चा करना तो पड़ेगा सॉल्व, मजाक तो करवाना नहीं है। a³ - b³, तो खेल जाओ। a³ - b³ यू नो वेरी वेल, तो 2x-5y 2x-5y ये तो हो गया। साथ ही साथ अब ब्रैकेट में इसका और इसका होल स्क्वायर आएगा, मतलब 2x-5y का होल स्क्वायर और 2x-5y का होल स्क्वायर, और प्लस में यू नो दोनों का इनटू आएगा, कुछ ऐसा वाला। आज हमने आते आते बताया था a-b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर, तो मैंने सारे बच्चों के सामने लिखा था इस वैल्यू का स्क्वायर 4x², पड़ोस वाले का 25y², और ये a-b a+b मतलब 4x² - 25y², बोलो हाँ, बीस समाज में बोल रहा हूं। साथ ही साथ इसका इसका हैप्पी बर्थडे, ये माइनस का 10y हो गया। तो ये चीजें हमको समझ में आ गई। तो आप देखो माइनस का 10y तो ऐसे रखा, अब यहां देखो 4 × 8 = 12 हो गया, 25 × 50 = 25 गया, तो 25y² हो गया। अब कंपैरिजन की बात होती है बच्चा, इसका कंपैरिजन इससे करो। तो देखो जब ये y अंदर आया a के साथ, क्योंकि कांस्टेंट है, तो हमें तो x² के साथ a, y a हो गया ना। या तो ऐसा करो कि इसको आप ऐसे लिख दो, y ऐसे अंदर भेज दो, 120 - x² और 250 y², अब कंपैरिजन कर दो। अब इसका कंपैरिजन करेंगे तो a बराबर माइनस का 120 और b बराबर माइनस का 250। देवताओं यहां रखो, माइनस का 120 240 हो गया, माइनस का माइनस माइनस प्लस 250 हो गया, आंसर आएगा 10। तो ये इसका सॉल्यूशन था, किसने सॉल्व किया? मैं अनिल प्रकाश टिकानपुर वाला। फिर से देखो वंस अगेन, a-b का होल क्यूब माइनस का a+b का होल क्यूब, मतलब वैल्यू दी गई बराबर दिस वन, और हमें 2a-b निकालना है। तो हमने क्या किया, a-b फिर a² + b² + का ab हो गया, ठीक है? तो इसको कैलकुलेट किया तो 5y 5y, तो माइनस माइनस 10y हो गया। यहां देखा तो इससे हमें फॉर्मूला याद आया कि a-b का होल स्क्वायर प्लस a+b का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में a² + b², तो 2 ऐसे रखा, a² 2x² 4x², हाँ एक चीज ध्यान दो, यहां प्लस का है, ठीक है? तो 5 का स्क्वायर 25y²
और बाकी हमने कैलकुलेट कर दिया। चले तो चलते हैं दोस्तों, और बढ़ेंगे और सीखेंगे, क्योंकि बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जरूर मुझे बताना कैसा लगा सेशन, और जिसने क्वेश्चन है दोस्तों, एट एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस का 27x माइनस वाई का होल क्यूब, राइट, साथ ही साथ लिखा है डिवीजन में 55 माइनस एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। हमसे कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी का मान बताओ, ए प्लस बी प्लस सी का मान बताना है। दोस्तों पहले शॉर्ट ट्रिक समझो, शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि यहां ए एक्स स्क्वायर बी एक्स वाई सी वाई स्क्वायर, अगर मैं x और y बराबर 1-1 रख दूं, अगर मैं x और y बराबर 1-1 रख दूं, तो यहां पर जब मैं सॉल्व करने गया तो आप एक चीज देखो, तो ये 1-1-2, तो ये 8 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, 1-1-2 और 1-1-0, तो ये इतना हो गया। अब देखा जाए यहां पर 5y में 1 गया तो ये 4 हो गया। अब a प्लस बी प्लस सी, दोस्तों 64 में 4 का भाग दिया 16, तो ए बी सी का सम जो आएगा वो 16 आएगा। ये इसका हो गया शॉर्टकट मेथड, क्या हो गया शॉर्टकट मेथड। बट हम थोड़ा सा ये तो शॉर्टकट बता दिया, पर हम आपको जनरल ही बता के सिखा देंगे, आप सीख लो। ध्यान देना, अगर मैं जनरल की बात करूं कोई बड़ा मुद्दा नहीं है इसमें। 8 का मतलब 2 का क्यूब होता है, 2 अंदर भेज दो, 2x 2y का होल क्यूब। 3 का क्यूब होता है, 3 अंदर भेज दो, तो 3x माइनस 3y का होल क्यूब। अगर इसका क्यूब लगाना चाहते हो तो बच्चा घटाओगे 2x 2y माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस, बोलो हां। साथ ही साथ 2x प्लस 2y का होल स्क्वायर, 2x प्लस 2y का होल स्क्वायर और 3x माइनस 3y का होल स्क्वायर, 3x माइनस 3y का होल स्क्वायर। अब यहां चेंज है, ठीक है, उससे पहले वाले क्वेश्चन जो आपको सिखाया था उसमें आप देखते, इससे पहले जो सिखाया था उसमें 2x माइनस 5y और 2x प्लस 5y था, यहां दोनों में डिफरेंट है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ इनका इनटू, तो 2x प्लस 2y 3x माइनस 3y, ये हो गया, देता हूं ये हो गया। अब यहां देखो, और डिवाइड बाय किससे, 5y माइनस x। कहते हैं समाज के लोग कि 3y 2y 5y हो जाएगा, और ये इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब ध्यान देना इसमें, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर और 4 दुना 8xy, सेम चीज ये हो जाएगा 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर और 9 दुनी 18xy, साथ ही साथ प्लस यहां हो जाएगा 6x स्क्वायर 6xy 6 माइनस का xy और माइनस का 6y स्क्वायर। अब बच्चा ये जो लाल कलर से लिखा है, अब इसके बाद ब्लू कलर से पूरा फाइनल इसका रिजल्टेंट लिखेंगे, 4x स्क्वायर 6x स्क्वायर तो 10 हो गया, 10 और 9 19x स्क्वायर हो गया। फिर देखो 18 8 6 तो माइनस का 4xy हो गया। अच्छा एक सेकंड ध्यान रखना, 6 और ये 10 हो जाएगा, ये भी तो है, बाकी अगर 19-20 होगा तो उसको हम चेक कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 10xy, मतलब इसका इसका तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, 18 में से 8 गया 10xy हो जाएगा। y की बात करें तो 4y 9, 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया 7y स्क्वायर। तो कंपैरिजन करोगे तो
ए बराबर 19 आ रहा है, बी बराबर माइनस का 10 आ रहा है, सी बराबर 7 आ रहा है। तो 19, 7, 26 में से 10 गया 16। तो बच्चा इतना कैलकुलेट करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। तो शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती, आपका अभ्यास होता है। जितने अच्छे से आप अभ्यास करेंगे उतने अच्छी अच्छी आपको शॉर्ट ट्रिक प्राप्त होंगी। तो इसी टाइप में हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और सीखेंगे। दोस्तों ऐसा करते हैं, दो ही टाइप रखेंगे जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढो। इसका जो तीसरा टाइप वर्जन है वो नेक्स्ट क्लास में आपको सिखा देंगे, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि उसको बहुत प्यार से सिखाना पड़ेगा, फुल एनर्जी के साथ, तब आपको क्या मजा आएगा। तो एक क्वेश्चन और करा देते हैं। अब हमसे कह रहा है फाइंड ए बी सी माइनस डी, ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन की बारी है, करके दिखाएंगे, ध्यान देना। 8x³ - 27y³, इसका अर्थ ये है 2x³ - 3y³, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 3y, ऐसे हो जाएगा। फिर हो जाएगा 4x² + 9y² 4x² + 9y² ठीक है, 4x² + 9y² और प्लस का 6xy। और इसका कंपैरिजन इससे करेंगे, तो जब इससे करेंगे तो a बराबर 2 आ गया, b बराबर -3 आ गया, c x के साथ c बराबर 4 आ गया, d बराबर -9 आ गया। रख दो a b c d, a 2, b -3, c 4, d -+। अब इसको कैलकुलेट करना है, आप खुद ही देखो कि 9 4 13, 13 में से 3 गया 10, 2 12 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 12 आएगा, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है, ऐसा माना जा रहा है। तो दोस्तों आज में जो हमने 10-12 क्वेश्चन आपको सिखाए हैं उनका अभ्यास करो और ढूंढो किताबों में, लेटेस्ट किताब ढूंढो और उनसे वो क्वेश्चंस करो, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी और एक एक चीज सिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।